चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो आपके CUET UG के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे करके कई वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी ताकि आपको आपकी CUET की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, है ना। तो भूल ना जाना, ये सब दोहराना, ये जो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उसको ज़रूर आप दोहराना। मैं कोशिश करूँगी हर दिन इससे रिलेटेड एक एक वीडियो मैं लाती रहूँ। ओके, तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर, जो आपके क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, जीवों में जनन, उससे रिलेटेड एक टॉपिक मैं आपको उठाने वाली हूँ आपके लिए, ताकि वो चीज़ आप अच्छे से रिविजन कर सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है हमारा अलैंगिक प्रजनन संरचना। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, आप इसकी शॉर्ट नोट्स बनाते चलना ताकि आप एग्जाम के जस्ट पहले एक बार इस चीज़ को रिवाइज करके जाओ। ओके, ये सारी चीज़ें लोग बहुत भूलते हैं, तो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ अलैंगिक प्रजनन संरचना। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन संरचना, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये संरचनाएं क्या होती हैं और कौन कौन सी संरचना आपको याद रखनी है। देखो, अलैंगिक प्रजनन मतलब ऐसा प्रजनन जिसमें केवल एक ही जनक इन्वॉल्व हो, यानी कि एक ही जनक शामिल हो, एक से ज़्यादा ना हो। जैसे ह्यूमन बींग की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी बेबी पैदा करने के लिए एक मेल की ज़रूरत होती है, एक फीमेल की ज़रूरत होती है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में या तो मेल है या तो फीमेल है या तो बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हो सकता है, किसी एक की ही ज़रूरत, हमें एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रजनन को हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो पहले अलैंगिक प्रजनन के बारे में मैं लिख दे रही हूँ, वह प्रजनन जिसमें केवल एक ही जनक आवश्यक हो। ठीक है, एक ही जनक की आवश्यकता है, एक से ज़्यादा जनक की आवश्यकता नहीं है। जनक मतलब पेरेंट्स, है ना, जैसे आपके माता पिता होते हैं, वैसे किसी भी जीव के जनक होते हैं जो उन्हें पैदा करते हैं, उन्हें हम जनक कहते हैं। और अलैंगिक जनक मतलब आपको समझ में आ गया, अलैंगिक प्रजनन मतलब एक ही जनक होगा उसमें। और अलैंगिक प्रजनन से जितने भी आपके बच्चे बनते हैं वो सारे आपस में समान होते हैं, एक तरह के होते हैं, इसलिए उन बच्चों को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन मतलब आकार में और आपके अनुवांशिक रूप से वो सारे क्या हो, एक समान हो। ठीक है, जैसा एक है हूबहू दूसरा हो, जैसा दूसरा है हूबहू तीसरा हो, सारे आपस में एक समान हो। ये तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई जो आपको आई थिंक पता ही होगी। अब आते हैं अपने प्रजनन संरचना पे। हर जीव अपनी अलग अलग प्रजनन संरचना बनाता है। ठीक है, तो कुछ संरचनाओं की हम बात करेंगे जिसकी वजह से वो जनन कर पाता है। जब भी अलैंगिक जनन होता है तो उसके लिए कुछ संरचनाएं बनाई जाती हैं कुछ जीवों द्वारा, तो उन जीवों का नाम हम याद रखेंगे और कौन सा जीव कौन सी संरचना बनाता है प्रजनन करने के लिए, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो चलो अपनी मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा। जस्ट अ मिनट। देखो एक मिनट बस। हाँ, अलैंगिक प्रजनन संरचना की हम बात कर रहे थे। पहली संरचना है आपकी कलिका। कलिका क्या होती है? देखो, कोई भी जीव है, ठीक है, ये हर जीव में नहीं पाया जाता। देखो, कोई भी संरचनाएं मैं बता रही हूँ वो कुछ स्पेशल जीव में पाया जाएगा, कुछ निश्चित जीवों में पाया जाएगा, सभी जीवों में नहीं। तो उन जीवों का नाम भी आपको याद रखना है और उनके अंदर कौन सी संरचना बन रही है ये भी आपको याद रखना है। तो कलिका जो है वो किसमें बनती है? ईस्ट और हाइड्रा में बनती है। ईस्ट को आप खमीर भी कहते हो, जिसे इडली वगैरह बनाने के लिए डाला जाता है ताकि इडली फूल सके अच्छे से, है ना। इडली कितने लोग को पसंद है कमेंट में बताना जरूर मुझे। मुझे इडली पसंद है, इडली डोसा खास करके मुझे पसंद है। देखो, कलिका की अगर मैं बात करूँ तो ये किसमें बनता है? ईस्ट में, जिसे आप खमीर भी कहते हो, और दूसरा हाइड्रा में बनता है। हाइड्रा में, ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में बनता है। होता क्या है? देखो, मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा का संरचना कुछ ऐसे होता है, हाइड्रा कुछ ऐसी नज़र आती है। ये क्या है? हाइड्रा है ये, ठीक है। हाइड्रा में क्या होगा, जब इसको जनन करना होगा, जब इसको जनन या प्रजनन कह सकते हो आप, जब इसे प्रजनन करना होगा तो ये क्या करता है, इसके किनारे
इसके किनारे क्या होगा, धीरे से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या परिवर्तन आएंगे, जो हाइड्रा है जब भी उसको जनन करना है तो छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा सा संरचना उसमें बनना शुरू हो जाएगा। ये संरचना आपको नई सी दिख रही होगी, है ना, ये वाला भाग छोटा सा, तो ये बनना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ये भाग बड़ा होता जाएगा, ठीक है, ये भाग क्या होगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और बड़े होने के बाद अपने अपने जनक की तरह इसमें भी छोटे छोटे से टेंटिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये अपने जनक से, देखो जो हाइड्रा ये वाला हमने लिया है इसको क्या माना जाएगा, जनक, क्योंकि एक ये नया हाइड्रा उत्पन्न करने वाला है, तो ये क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इससे, ये जनक वाला हाइड्रा है और ये छोटा सा प्यारा सा हमारा नया वाला हाइड्रा है, तो ये क्या हो गया, हमारा नया हाइड्रा बन गया। तो ये संरचना जो आपने यहाँ पे देखी, ठीक है, जो आपने यहाँ पे देखी, इसी संरचना को हम कहते हैं कलिका, ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो बड कहते हैं इसे, इसी संरचना को हम कलिका या बड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका ईस्ट होता है या फिर हाइड्रा होता है उसमें छोटी छोटी सी संरचनाएं बनती हैं और बाद में वो संरचना अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करती है, ठीक है, तो उस संरचना को हम कहते हैं कलिका, ठीक है। किसमें बनती है, ईस्ट और हाइड्रा में, ये दो नाम आप याद रखोगे और कलिका नाम याद रखोगे। इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मुकुलन, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मुकुलन, मुकुलन, ये भी चीज आप याद रखना कि इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं, इंग्लिश में बोलूं तो बडिंग कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इसको हम कहते हैं बडिंग, ओके, मुकुलन या बडिंग कहलाती है ये प्रक्रिया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुकुलन या बडिंग किसमें होती है, तो आप कहोगे ईस्ट और हाइड्रा में, ठीक है। तो ये हमारी पहली संरचना हो गई। अब दूसरी संरचना की बात करते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। जस्ट अ मिनट, चलो, पहला हमारा खत्म हो गया कलिका। दूसरी संरचना है आपकी, दूसरी संरचना आपकी जेम्यूल, जेम्यूल, ठीक है। अब ये जेम्यूल क्या होता है, इंग्लिश में भी इसको जेम्यूल ही कहते हैं, जेम्यूल। पहली बात, जेम्यूल बनता किसमें है ये आपको याद रखना है, जेम्यूल बनता है स्पंज में, स्पंज, आपके घर में बर्तन वगैरह मांजने का स्पंज होता है ना, तो वो तो नकली बना होता है, लेकिन पहले जो लोग इस्तेमाल करते थे वो रियल स्पंज इस्तेमाल करते थे। उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक जीव होता है जिसको हम स्पंज कहते हैं, वो बिल्कुल उसी स्पंज की तरह जो आप बर्तन वगैरह मांजने में या साइकिल वगैरह की जो सीट होती है उसका जो फ्लफी सा पार्ट होता है उसको बनाने में इस्तेमाल होता था, ठीक है, उसी की जगह पे आज हमने स्पंज बना दिया है। पहले ये एक जीव होता था, एकदम उसी की तरह पाया जाता है, एकदम ऐसे सोखता जिसे आप कहते हो, ठीक है, तो उसी की तरह ये रहता है। तो स्पंज क्या है, स्पंज को हम पोरीफेरा भी कहते हैं, स्पंज का दूसरा नाम होता है पोरीफेरा, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, क्लास 11th में, पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा में क्या होता है, पोरीफेरा के अंदर ऐसे मटके जैसी संरचना बन जाती है और इसी मटके के अंदर छोटे 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 ऐसे कोशिका विभाजन हो जाती है, ठीक है, और इस तरह की एक संरचना बन जाती है और ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ होता है, ऐसी संरचना होती है। बस संरचना आप याद रखो, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है रिप्रोडक्शन करने का, है ना, तो ये अलग अलग संरचनाएं हैं और इसके अंदर ये क्या बन रहा है, नया स्पंज बन रहा है, यानी कि जनन हो रहा है, कुछ नए स्पंज बन रहे हैं यानी कि जनन हो रहा है। तो ऐसी संरचना जो एकदम मटके के आकार की हो और ऐसे गोल गोल से उसके अंदर छोटे छोटे से स्पंज बन रहे हो, तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं जेम्यूल, और ये किसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्पंज में। तो आपसे पूछा बस इतना जाएगा कि जेम्यूल किसमें पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए स्पंज में, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तो जेम्यूल किसमें मिलता है, स्पंज में। हमने दो चीजों के बारे में पढ़ लिया, अब हम तीसरे के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम तीसरे के बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा है आपका चल बीजाणु, ठीक है, तीसरा क्या है, चल बीजाणु, बीजाणु नाम ही बता रहा है, चल बीजाणु यानी कि वो चलने वाले होंगे, है ना,
चल बीजाणु क्या होते हैं, चलने वाले होते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनके वजह से वो चल फिर सकते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, पहली बात मैं ये लिख दूं, ये पाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास को पहले शैवाल माना जाता था, शैवाल मतलब एल्गी जिसे आप कहते हो, काई वगैरह जानते हो ना, घर में जो काई वगैरह लगती है, तो वो काई तो एक प्रजाति है, उसी तरह की कई प्रजातियां होती हैं शैवाल की, ठीक है। तो उसी में एक प्रजाति है आपकी क्लेमाइडोमोनास, पहले इसे शैवाल माना जाता था, पर अब क्योंकि ये एक कोशिकी है इसलिए इसको प्रोटिस्ट कहा जाता है। ये सब क्लास 11th की चीज़ें हैं। तो हमारा मकसद है बस यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन संरचना याद रखना। तो चल बीजाणु किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में। देखो क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ नज़र आता है, उसके अंदर क्या होती है, फ्लैजिला होती है। ये क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, चल फिर सकता है। फ्लैजिला, सीलिया, इनकी वजह से जीव चल फिर सकते हैं। तो ऐसे ये भी चल फिर सकता है, और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कई बीजाणु बन जाते हैं, छोटे छोटे कई बीजाणु बन जाते हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है, जनन। तो इन्हीं छोटे बीजाणु को हम कहते हैं चल बीजाणु, जो आगे चल करके क्या बनाएंगे, आगे चल करके ये भी क्लेमाइडोमोनास में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है कि चल बीजाणु किस में पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं, ठीक है, या ज्यादातर शैवाल में पाए जाते हैं। इतनी बातें आप याद रखोगे। बढ़ते हैं चौथे की तरफ, बस हम चार ही पढ़ेंगे, एक लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके। जो ज्यादा पूछे जाते हैं मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कायिक प्रवर्धन वाला लेक्चर हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कायिक प्रवर्धन भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कायिक प्रवर्धन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 1st में ये भी दे रखा है, ठीक है। हर एक चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी मुझे, मैं आपसे शेयर करते चलूंगी। तो चलो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोनिडिया, चौथा है आपका कोनिडिया, कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया किस में पाया जाता है, कोनिडिया पाया जाता है पेनिसिलिन में, पेनिसिलियम नोटैटम, पेनिसिलियम नोटैटम। एक चीज और आप याद रखना, ये क्या है, एक तरह का फफूंद है, ये एक तरह की फफूंद है, यानी कि कवक है, आप इसे कवक भी कह सकते हो। और एक और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे देती हूँ, जो आपका ये पेनिसिलियम नोटैटम है ना, ये इससे आपका पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक निकाली गई थी, जो दुनिया की सबसे पहली निकाली गई एंटीबायोटिक थी, उससे पहले हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, ठीक है। तो ये बहुत काम आया था, बहुत अच्छी खोज थी ये, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये खोज की थी, ठीक है। पेनिसिलियम नोटैटम जो कि एक फफूंद है, उससे सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया गया था, और किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये एक्स्ट्रा चीज़ें याद रख लेना। तो जो आपका पेनिसिलियम नोटैटम होता है, जो आपकी ये फफूंद होती है, इसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया कैसे बनते हैं दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे कुछ होते हैं आपके क्या, पेनिसिलियम, ऐसे होते हैं पेनिसिलियम, ठीक है। ये क्या है, पेनिसिलियम है। अब इसके ऊपर क्या बनेंगी, कुछ संरचनाएं बनेंगी, कैसे बनती है मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी कुछ संरचनाएं बन जाती हैं, इन्हीं छोटी छोटी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोनिडिया, इन्हीं छोटी संरचनाओं को कहते हैं कोनिडिया। तो एक और बात पूछी जाती है कि ये अंदर की तरफ बनती है या बाहर की तरफ, तो आप कहोगे बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ बनने को हम कहते हैं एक्सोजीनस, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस मतलब कोई भी चीज़ का बाहर की तरफ बनना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखोगे, कोनिडिया आपका पेनिसिलियम नोटैटम में पाया जाता है, और कैसा बनता है, बाहर की तरफ छोटे छोटे से स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं, अंदर की तरफ नहीं बनते। अभी तक हमने जिसमें भी देखा उसमें अंदर की तरफ मैंने बनते हुए दिखाया था, चाहे वो जेम्यूल हो चाहे वो कोनिडिया हो, उसमें मैंने अंदर की तरफ दिखाया था, लेकिन ये क्या है, ये बाहर की तरफ बने हैं, ठीक है। तो ये चार संरचनाएं आपको याद रखनी है, मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देती हूँ। कलिका पाई जाती है ईस्ट और हाइड्रा में, दूसरा है आपका जेम्यूल पाया जाता है स्पंज में, और तीसरा था आपका चल बीजाणु जो कि पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, चौथा है आपका कोनिडिया जो कि पाया जाता है आपकी पेनिसिलियम नोटैटम में, ठीक है, जो कि एक फफूंद है। तो इतनी बातें आप याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे नए टॉपिक के साथ, ताकि आपकी CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। और भी कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करती हूँ मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।